मुकेश तिवारी ने अपने करियर की शुरुआत 1998 में की थी। उन्हें ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्री में बैड मैन के नाम से जाना जाता है। 1998 में उन्होंने फिल्म चाइना गेट के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग डेब्यू पुरुष के लिए जी सिने अवार्ड जीता। उन्हें 2003 में फिल्म गंगाजल से प्रसिद्धि मिली। बॉलीवुड फिल्मों के अलावा वह पंजाबी, तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी दिखाई दिए हैं। उन्हें कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में गोलमाल के चरित्र वसूली भाई से प्रेरित भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वह फिल्मों पर फोकस करना चाहते थे।